इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन का आंसर देंगे क्या एक एमबीए आपके लिए जरूरी है या नहीं दोस्तों ऑलमोस्ट हर एक इंसान चाहे साइंस का हो कॉमर्स का हो ह्यूमैनिटीज का हो अल्टीमेटली अपने मास्टर्स के लिए एमबीए या एमएस या एमटेक में डिसीजन ले रहा होता है एंड बहुत सारे आप जैसे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि आपने एम किया है तो आप प्लीज़ ये बता सकते हैं कि एम ज़रूरी क्यों होता है हाउ डज इट बेनिफिट तो इस वीडियो में आपके साथ पांच ऐसे रीजन शेयर करूंगा जो मेरे हिसाब से एम को वर्थ को बना देते हैं नंबर वन आपको एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग मिलती है मैं एक साइंस स्टूडेंट था मैंने जिंदगी भर अपने एम करने से पहले सिर्फ फिजिक्स और फिजिक्स ही पढ़ी थी मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि असली ज़िंदगी में होता क्या है मार्केटिंग क्या होती है सेल्स क्या होती है फाइनेंस क्या होता है आईटी, ऑपरेशन सप्लाई चेन कोई आइडिया नहीं तो व्हेन आई तो वेंट फॉर एन एम कोर्स मेरा दिमाग खुल गया क्योंकि मैं सिर्फ वैसे चीज़ें नहीं देख रहा था जो मैं पहले देखता आता था मैं बहुत सारी और चीजें देख पा रहा था मैं ये देख पा रहा था कि एक सिचुएशन को एक मार्केटिंग परस्पेक्टिव से कैसा देखा जाता है फिनेंस से कैसे देखा जाता है ओवरऑल बिजनेस परस्पेक्टिव से कैसे देखा जाता है तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत सारे हम जैसे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि बिजनेस में होता क्या है शायद वो बिजनेस फैमिली से भी नहीं है देन एन एम ट्रूली टेल्स यू हाउ टू थिंक एंड बिहेव बिजनेस सिचुएशन नंबर दो एक्सपोजर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होते हैं जो स्मार्ट हैं बहुत एम्बिशिय हैं, हैं जिंदगी में काफी कुछ कर चुके हैं सो यू सडनली आर अमंग्स दिस रियली अकंप्लिश्ड ग्रुप एंड दैट रियली एलिट्स योर कॉन्फिडेंस आपको ऐसा लगता है कि आप तो कुछ जानते ही नहीं है बट दैट एक्ट एज अ मोरल बूस्टर क्योंकि फिर आप सडनली उस कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं एंड जीतने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे याद है मैंने अपने एम में सीखी जो मैंने जिंदगी में पहले कभी ट्राई भी नहीं करी थी कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना क्लास में पार्टिसिपेट करना अच्छे से प्रेजेंटेशंस देना ग्रुप असाइनमेंट्स में लीड करना ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही न्यू थी क्योंकि मैं एक फिज़िक्स का स्टूडेंट था मेरी पूरी दुनिया सिर्फ साइंस साइंस की थी जहाँ इंडिविजुअली ही सब कुछ होता है असाइनमेंट्स भी इंडिविजुअली होती है तो कोई ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई क्लास प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था और इन सब चीज़ों के चलते मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा क्योंकि आई न्यू कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और मैं कर सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों को देखकर एक तरीके का प्रोत्साहन मिला इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिली कि यार ये इंसान इतना अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं वो इतना अच्छा कर रही है तो मैं क्यों नहीं एंड दैट ग्रुप रियली ब्रॉट मी इसीलिए मैं बार बार यही बोलता हूं कि MBA करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक बहुत ही अच्छे स्कूल में जाना क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं तो वहां का क्राउड वहां के स्टूडेंट्स वहां की फैकल्टी वहां के एक्सपीरियंसेस वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब आपकी मदद करता है इन इंक्रीजिंग योर एक्सपोजर इन इंक्रीजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस तीसरा रीजन एक रोल या एक इंडस्ट्री चेंज अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं फर्ज़ करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आप फाइनेंस के हैं और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या फाइनेंस से मार्केटिंग में मूव करना चाहते हैं देन एन एम बी एज़ अ ग्रेट वे टू डू दैट क्योंकि जो रिक्रूटर होता है वो ये देखता है कि यार आपकी बैचलर्स की डिग्री तो फाइनेंस में थी या इंजीनियरिंग में थी तो आपका एक्सपर्टीज तो वही है काम भी आपने थोड़ा बहुत उसी में किया है तो अब मैं कैसे यह विश्वास कर लूं कि आप ये एक नई इंडस्ट्री जो मेरी कंपनी है उसमें भाग ले सकते हैं थ्रू एन एम बी ए क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये एक दो साल एक ऐसा करिकुलम किया है जहां वो सारी ट्रेनिंग आपको मिली है जो कि आपको मेरी इंडस्ट्री के लिए मेरी कंपनी के लिए मेरे रोल के लिए रेडी कराती है एंड दैट्स वाई एन एम बी ए इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू चेंज योर रोल योर इंडस्ट्री एंड स्टार्ट कंप्लीटली न्यू वन चौथा एलम और नेटवर्क बहुत बड़ा एसेट होता है दोस्तों जब आप एक बिजनेस स्कूल एक एमबीए स्कूल जाते हैं तो आपका जो बैच है वो अल्टीमेटली हमेशा आपके साथ रहेगा आप उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे तो होंगे ही या टेलीग्राम या सिग्नल या जो भी हो बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उनके साथ जिंदगी भर जुड़े रहेंगे क्योंकि वो आपके बैच से थे और आपने उनके साथ वक्त बिताया एक साल दो साल शायद कैंपस में हॉस्टल में एंड दैट फॉर्म्स अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड जैसे आपके इंजीनियरिंग या आपके बैचलर्स में भी हुआ होगा एंड दैट क्रिएट्स ए वंडरफुल नेटवर्क लेकिन ये नेटवर्क बहुत आगे और पीछे भी जाता है जो सारे स्टूडेंट्स और बैचेज हैं जो आपसे पहले इस बिज़नेस स्कूल में पढ़ चुके हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो आपके बाद बिजनेस स्कूल में आने वाले हैं वो सारे आपके नेटवर्क का एक पार्ट होंगे एंड दिस इज़ अ पावरफुल नेटवर्क क्योंकि अगर स्कूल अच्छा है नेटवर्क अच्छा है स्टूडेंट्स अच्छे हैं देन दे विल गो ऑन इन डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट रोल्स और आगे जाके यही सब लोग आपके लिए नई ऑपरचुनिटीज क्रिएट करेंगे दिस इज इनक्रेडिबली पावरफुल पांचवा और लास्ट एक एमबीए इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आजकल सारे रिक्रूटर्स एक तरह से इस डिग्री की तलाश में है द ट्रूथ इज की कोई भी बिजनेस रोल के लिए अब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स एक एमबीए डिग्री चाहते हैं तो अगर आपके पास एम डिग्री नहीं है इट सडली बिकम्स अम वोड डिसएडवांटेज उनको ऐसा लगता है कि आप शायद बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं या शायद आपके कहीं एडमिशन नहीं हुई तो अनफॉर्चुनेटली और मैं अनफॉर्चुनेटली ही कहूँगा क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि सिर्फ एम करके ही आपको एक बिजनेस रोल मिल सकता है बट दैट इज द रियलिटी एट इन इंडिया की रिक्रूटर्स कंपनीज एम की डिग्री ढूंढ रहे हैं आपके रेज्यूमे पे आपके प्रोफाइल में और अगर वो आपके पास है देन इट्स सडनली हेल्प्स यू एंड मेक्स यू एलिजिबल ये पांच रीजंस फॉर डूइंग एन एमबीए, व्हिच अकॉर्डिंग टू मी आर द रीजंस वाई यू शुड कंसीडर इट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैवियट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जैसे कि मैंने बताया ये जरूरी नहीं है कि आप अपने रोल में एक एम ए के बिना सक्सीड नहीं कर सकते दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल एप कर सकते हैं एक एम के बिना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरी नॉलेज में ही जहां लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है एंड दे हैव गॉन ऑन टू डू रिमार्केबल वर्क लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन से रोल्स ऐसे हैं जो कि एम बी चाहते हैं या रिक्वायर्ड है और कौन से ऐसे रोल्स हैं जहां एम बी डिज़ायर्ड या प्रेफर्ड है अगर आप एक बिजनेस रोल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक एम इन एविटेबल है एक एम बी ए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर आप एक टेक रोल कर रहे हैं एक क्रिएटिव रोल कर रहे हैं एक ऐसा रोल कर रहे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है बल्ले से मार्केटिंग से रिलेटेड है या कि कोई क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया कॉन्टेंट राइटिंग हो गया एडिटिंग हो गया इंजीनियरिंग हो गया तो फिर एम बी ए एक प्रेफर्ड डिग्री है एक रिक्वायर्ड डिग्री नहीं है एंड दैट्स वाई यू विल सी इनफ इन मोर एग्जाम्पल्स जहां लोगों ने बहुत अच्छे से अपना करियर प्लान किया है विदाउट एन एम बी ए बट ओनली इन एरियाज जहां वो एक बिजनेस रोल नहीं था एक नॉन बिजनेस रोल था एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस आई होप दिस हेल्प्स एम बी ए के ऊपर अगर कोई भी और सवाल हो तो प्लीज मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछेगा दिस इज अंकुरिको साइनिंग ऑफ अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले